आप सभी छात्रों को बालेश्वर सर के YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग नाइन क्लास के नौ वर्ग के संस्कृत विषय से चौथे पाठ यानी चौथे सीरीज के बारे में अध्ययन करेंगे। चौथे सीरीज में क्या है, आप ऐसे समझ रहे हैं कि चौथे सीरीज का उद्देश्य क्या है। जैसे यहाँ पे दिया गया है चतवारो वेदा, चतवारो वेदा यानी कि आप समझ रहे हैं कि वेद, जैसे ऐतिहासिक रूप से जो भी हम जानकारियां लेते हैं तो ऐतिहासिक रूप से जानकारियों में सबसे पुराना अगर हम बात करें तो वेदों की बात आती है कि वेद, वेद जो है हमारे सामाजिक उत्थान में या हमारे आज के क्रियाकलापों में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वेदों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि ये चार तरह के कौन कौन से वेद हैं जो हमारे ऐतिहासिक रूप से बहुत ही ख्याति रखा हुआ है और आज तक हमारे समाज में उन वेदों का सही ढंग से पालन भी किया जाता है। तो इससे पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि जब मेरे आप चैनल को देख रहे हैं तो कम से कम आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो से जो मैं अपलोड करते रहूं उससे आप जुड़ सके और आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल सके। तो देखिए चतवारो वेदा में क्या वर्णन किया गया है। यहाँ सबसे पहले आप समझ रहे हैं कि भारतवर्षीय संस्कृति निधिसु वेदा प्रधान पदम धारयंती, यानी कि भारतवर्ष जो है, भारतवर्ष के बारे में हम बात करते हैं कि इसके संस्कृति के बारे में कि संस्कृति में जो है वेद अपना प्रधान महत्व धारण किया हुआ है, अपना प्रधान महत्व मुख्य महत्व रखा हुआ है। उपलब्ध ग्रंथे सुते एवं प्राचीनतमा संते, यानी ये जो ग्रंथ उपलब्ध है यह ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। भारतीय सर्वे अपि वेद संवेदयन गौरवानुभवन्ति, भारत में ऐसे भारत के स्थिति में ऐसे बताया जा सकता है कि सर्वे अपि यानी सभी जगहों पे वेद संवेदन यानी वेद का जो संबोधन है, वेद का जो कार्य है उसमें गौरवानुभवन्ति, यह काफी अपने गौरव को प्राप्त किया हुआ है। ज्ञानस्य प्राय एव वेदो वर्तते, ज्ञान के रूप में यह वेद हमें ज्ञान के रूप में भी कुछ जानकारियां देता है और महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। शास्त्राणि वेदा मुद्रणे स्वद सिद्धांतम प्रतिपादन्ते, यानी इस शब्द में हम ऐसे बता सकते हैं कि वेद जो होता है उदाहरण में स्व सिद्धांत में अपने सिद्धांत को पालन करने में प्रतिपाद्यन्ते प्रस्तुत पाठे चतुर्णा वेदानाम स्वरूप मुख्य च प्रतिपादन दर्शयन्ति, यानी कि इस पाठ में चार तरह के वेद जो है, चार महत्वपूर्ण वेद है, चारों वेद के बारे में वर्णन किया गया है और वेदों के बारे में हम अलग अलग खंडन करके देखेंगे कि इसका क्या उल्लेख किया गया है और इसका क्या हमारे समाज में महत्व है और वेदों का क्या उद्देश्य रहा है। तो सबसे शुरुआत जो होता है पाठ का, आपका पाठ में आप अपने किताब को लेके सामने देखते रहें कि अस्माकं प्राचीना संस्कृति वेदेषु सुरक्षिता वर्तते, हमारा प्राचीन जो संस्कृति है अगर सुरक्षित है तो ये वेद का ही देन है। जो पुरानी संस्कृति हमारी सुरक्षित है यह देन है तो वेद का ही देन है। संसारस्य च प्राचीनतम साहित्यम वेदे सब लभ्यते, संसार का सबसे प्राचीन अगर कोई ग्रंथ कहा जा सकता है, कोई साहित्य कहा जा सकता है तो यह सबसे पुराना साहित्य या सबसे पुराना ग्रंथ के रूप में हम वेद को ही मानते हैं। सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब समझ रहे हैं कि सप्त सिंधु प्रदेश निवसंत, यानी कि सप्त सिंधु जिसमें आपका आता है सिंधु हो गया, पुष्पणी हो गया, शतद्रु हो गया, वितस्ता हो गई, यमुना हो गई, गंगा हो गई, यानी कि ये महत्वपूर्ण जो नदियां हैं भारत की, निवसंते ऋषिया तत्कालिक सर्व ज्ञानम वेद रूप धारयन, यानी ये सभी लोग जितने ऋषि रहे हैं सर्व ज्ञानम जितना ज्ञान अर्जित किए हैं वेद रूप धारयन, यानी वेदों में अपने ज्ञान को अर्जित कर दिए हैं, वेदों में अपने ज्ञान को वर्णन कर दिए हैं। विशेषतो यज्ञ संचालनाय एकस्यापि वेदस्य चतवारि रूपाणि कृत्यासन, यानी कि इसकी विशेषता इस प्रकार की रही है कि यदि यज्ञ संचालन भी किया जाता है, यज्ञ का शुरुआत भी किया जाता है, एकस्यापि वेदस्य चतवारि रूपाणि यानी वेद में जो चार रूप है, कृत्यासन जो चार रूपों को करने की बात की गई है, अतएव चतवारो वेदा इति परंपरा प्रवृत्ता, यह चार जो वेद है यह अपने परंपरा को ग्रहण किया हुआ है, परंपरा को अपने अंदर समाया हुआ
समावेशित करके रखा हुआ है। तेच वेदा ऋषियो यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद संति, यानी इस तरह से यह चार वेद है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, यानी वेदों की संख्या चार है, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद, समझ रहे हैं चार वेद हैं। ऋग्वेद प्राचीनतमान मंत्रण धारयति, ऋग्वेद जो है प्राचीन सबसे पुराना मंत्र को धारण किया हुआ है। अतएव इतिहासस्य विद्वासस्य महत्व तितराम मन्यते, इतिहास में इसका महत्व भी बहुत ज्यादा माना जाता है। अयम वेदे वेदो दससु मंडलेसु विभक्त, इस वेद को दस मंडलों में विभक्त किया गया है, दस मंडलों में बांटा गया है। प्रति मंडलम च सुक्त मुह रूपाणी सुक्तानि बहुनी विधन्ते, प्रति मंडल यानी जितने इसके मंडल है दस मंडल में जो रिक्त समूह रूपाणी सुक्तानि बहुनी विधन्ते, इसमें जो सुक्त कहे गए हैं, जो इसमें सुक्ति लाया गया है, सुक्ति रखा गया है, वो सुक्ति में बहुनी विधन्ते, बहुत तरह की विद्याएं समाविष्ट की गई है, बहुत तरह की विद्याएं उसमें रखी गई है। सुक्तानाम देवताम ऋषियम छदंसी च पृथक संति, इसके सुक्तों में देवताओं के ऋषियों के छंद से, यानी ऋषियों के कुछ छंद को रखे गए हैं। च पृथक संति संपूर्ण ऋग्वेद 1028 सुक्तानि 10552 ऋच वर्तन्ते, यानी पूरे इस वेद में संपूर्ण ऋग्वेद के माध्यम से देखा जाता है तो ऋग्वेद में 1028 सुक्त है, सुक्ति है, और 10552 इसमें ऋचाओं की संख्या है। ऋचा एवं मंत्र अपि कथ्यन्ते, यह ऋचा और ऋचा को मंत्र भी कहा जाता है, जैसे आप समझ रहे हैं कि ऋचा को मंत्र भी कहा जाता है। ऋग्वेदे देवा नाम वाहार्थम मंत्रम इति कर्म कांड उपयोगे, ऋग्वेद में मंत्रों को इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि इसमें कर्म कांड से संबंधित हर तरह के कार्यों को संपादित किया जाता है। यजुर्वेद शुक्लम कृष्ण रूपेण द्विविध, यजुर्वेद में कृष्ण और शुक्ल दो तरह की विद्याओं का वर्णन किया गया है, एक शुक्ल विद्या का वर्णन किया गया है, दूसरा कृष्ण विद्या का वर्णन किया गया है, कृष्ण रूपेण का वर्णन किया गया है। प्रायण शुक्ल यजुर्वेदम एवं उत्तर भारत प्रचलित, यह प्राय ऐसा देखा जाता है कि यह उत्तर भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है। तस्मीन चतवारी दध्याम संति, इसमें चार तरह के अध्यायों को वर्णन किया गया है। अध्याय नेके गधा पदात्मा का मंत्र संति, इस गध में ऐसे बताया जाता है कि इसमें कई तरह के मंत्रों को संकलित किया गया है। तेसु मुख्यतः विधि कर्म संपादना है विधेयो दर्शिता, इसमें कितने कर्मों को संपादित किया गया है और विद्याओं को इसमें रखा गया है। यजुर्वेदस्य यजुर्वेद में अर्थ एवं वर्तते यज्ञ वेद, अर्थ के बारे में और यज्ञ के बारे में यह वेद प्रचलित माना जाता है। प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद 1975 मंत्र संकलिता, इस यजुर्वेद में 1975 मंत्रों का संकलन किया गया है। इस यज्ञ वेदना में व्यापक प्रयोग, इसलिए यह ज्यादा से ज्यादा यज्ञों में इस वेद का व्यापक प्रयोग किया जाता है। सामवेद सामवेद प्रायण ऋग्वेद से ज्ञातम कैमंत्र संकलिता, सामवेद में अगर हम बात करें तो प्राय यह भी देखने के लिए मिलता है कि ऋग्वेद की तरह इसमें भी मंत्रों का संकलन किया गया है। तत्र यज्ञ समाहूत वेदनाम प्रसाद नाम लक्ष्य मस्ते, इस वेद में कई तरह के वेदों का प्रसाद, वेदों के प्रसाद के रूप में प्रसादम च गायन भवति, इसमें गायन का कार्य भी किया जाता है। अतएव सामवेदस्य गायिका उद्गात्र कथ्यन्ते, इसमें गीत संगीत का वर्णन बहुत ज्यादा किया गया है, इसलिए भारतीय संगीतम सामवेदम प्रारब्धे, इसी में माना जाता है कि भारतीय संगीत का प्रारंभ होता है, सामवेद ही है जिससे भारतीय संगीत का प्रारंभ होता है। सामवेद 1875 मंत्र संति, इस सामवेद में 1875 मंत्रों का संकलन भी है। सामवेद से पूर्वासी उत्तराधिभागियों विभक्त, सामवेद में जो पूर्व की बातों को देखा जाए, उत्तर की बातों को भागियों विभक्त, यानी सभी भागों को इसमें अलग अलग पूर्व और उत्तर के भागों को अलग अलग विभक्त किया गया है। अब चौथे वेद के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि अर्थर्ववेदोलौकिक वैज्ञानिक च विषयम विशेषण धते,
अथर्ववेद जो है लौकिक वैज्ञानिक के रूप में चबिसे विशेष धत्य यानी कि इसे एक तरह से दूर किया हुआ है, वैज्ञानिक विषय को इसमें अलग समाविष्ट किया गया है। अतम विसंति कांडेशु युक्त प्रतिकांडम च सुक्तानि वर्तन्ते सुक्तेषु च ऋग्वेदंत मंत्रा सन्ति। इसमें प्रतिकांड के रूप में सुक्तों को और सुक्तों के साथ वर्तन यह वर्णन किया जाता है। सुक्तेषु च ऋग्वेदत मंत्रा सन्ति, इस सुक्त में ऋग्वेद में मंत्रों को संकलित किया गया है। संपूर्ण अथर्ववेद 730 सुक्ताने, इस संपूर्ण अथर्ववेद में 730 सुक्त हैं। 5987 मंत्राण विधन्ते, 5987 से मंत्र को मौजूद रखा गया है। अत्र द्वादशे कांडे भूमि सुक्तम वर्तते यत्र मातृभूमे स्तुति विस्तृणे कृत्वा, इस तरह से कहा जाता है कि द्वादश कांड में भूमि सुक्त के हिसाब से यह वर्णन किया जाता है। मातृभूमि स्तुति कृता यानी मातृभूमि की स्तुति भी इसी वेद में किया जाता है। एते सर्ववेदा मंत्राणाम संकलनित संहिता अपि कथ्यते, इस तरह से सभी वेदों में मंत्रों को संकलित किया गया है और मंत्रों को संकलित किया हुआ कहा जाता है। तदंतरम तदव्याख्य रूपाणी प्रमाणी बहुनी वर्तन्ते कर्म कांड प्राणी, यानी कि बाद में चलकर इसका अगर हम व्याख्या करें ब्रह्मणाणी बहुनी वर्तन्ते कर्म कांडराणी, यानी कई तरह के कर्म कांडों का इसमें वर्णन किया गया है। दर्शन चिंत प्राणी अरण्य काने, दर्शन चित्त को इसमें कई तरह के शुद्ध दर्शन परा उपनिषद से शुद्ध दर्शन परा का उपनिषद का विकास हुआ है। विकसिता यानी कितने तरह के ऐसे विकास हुआ है। सर्वे पे वेद संहिता कृते, यानी सभी स्थितियों में वेद संहिता को कृते पृथक पृथक यानी अलग अलग शांति अलग अलग वर्णन किया जाता है। अपिच वेदा नाम रूपेण शिक्षा कल्पम व्याकरणम बिना रुक्त छंदम ज्योतिषेति संड विषणाणी विपुलम साहित्य प्रस्तुवन्ते, यानी इस तरह से छह तरह की विद्याओं का इसमें वर्णन भी किया जाता है, जिसमें शिक्षा हुआ कल्प हुआ व्याकरण हुआ बिनरुक्त हुआ छंद हुआ ज्योतिष हुआ चेति, यानी छह तरह के यहाँ पे वर्णन किए गए हैं। सर्वमिदम मिलित्वम विशालम वैदिक साहित्य मिति वर्तते, इस तरह से कहा जाता है कि हमारा वेद जो है सबसे विशाल और सबसे बड़ा साहित्य के रूप में यह जाना जाता है। सबसे पुराना वेद है और सबसे पुराना वेद में इस तरह के व्याख्या किए गए हैं। अतः आप सभी छात्रों से एक बार पुनः मैं इस बात को याद दिला देना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले हर वीडियो के अपलोड को आप आसानी से देख सकें और घर बैठे हुए आप आसानी से अपनी तैयारी को कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में अगले सीरीज के साथ। तब तक के बच्चों अलविदा।